हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं ऐसा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और आप अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मैथिली शरण गुप्त की जितनी भी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं वो ट्रिक के माध्यम से लर्न करेंगे। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, 2 से 3 मिनट का वीडियो होगा और मैथिली शरण गुप्त की जितने भी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं वो सब आपको लर्न हो जाएंगी ट्रिक के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी की बहुत सी रचनाएं रामायण और महाभारत पर आधारित है, ये बात ध्यान रखना। 1954 में पद्म विभूषण सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कार से सम्मानित किए गए। 1954 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया। पहली रचना की अगर मैं बात करूं तो पहले नंबर पर आता है भरत भारती, दूसरे नंबर पर आता है साकेत, तीसरे नंबर पर आता है पंचवटी और चौथे नंबर पर आता है जयद्रथ वध। क्या? जयद्रथ वध आता है आपका फोर्थ नंबर पे। अब हम बात कर लेते हैं ट्रिक की। अब आपको बस इतना याद रखना है कि जो मैथिली शरण गुप्त थे ना वो किस पार्टी में थे? वो बीएसपी पार्टी में थे। अरे जैसे कांग्रेस पार्टी है ना, जैसे कांग्रेस है, समाजवादी है, बीजेपी है, वैसे एक पार्टी क्या है? बीएसपी। क्या है? बीएसपी है, बहुजन समाजवादी पार्टी। क्या? बहुजन समाजवादी पार्टी। बस आपको इतना याद रखना है कि मैथिली शरण गुप्त किस पार्टी में थे? बीएसपी में थे। बीएसपी की जय जय कार करते थे। बी से क्या हो जाएगा आपका? भारत भारती हो जाएगा। यस से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? यस से आपका हो जाएगा साकेत। और पी से क्या हो जाएगा? पी से हो जाएगा आपका पंचवटी। और बीएसपी की क्या करते थे? जय जय कार करते थे। जय से क्या हो जाएगा? जयद्रथ वध हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, थैंक यू।